मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजनों की धूम है। सुभाष चंद्र बोस को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानने वाले इस दौरान उन्हें अलग अलग अंदाज में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पिछले कई सालों से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैराथन दौड़ लगाने वाले नेशनल एथलेटिक्स खिलाड़ी अनूप कुमार ने अपनी परंपरा के मुताबिक रविवार को राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पर सुभाष एक्सीलेंस स्कूल तक मैराथन दौड़ लगाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के सभी नागरिक अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोई पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है तो कोई दौड़ लगाकर नेताजी को याद कर रहा है। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल पहुंचने पर इंटरनेशनल खिलाड़ी अनूप कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मैराथन दौड़ लगाते हैं। इससे पहले वह मुंबई, नागपुर और दिल्ली से भी दौड़ लगाकर यहां तक पहुंच चुके हैं। मैं 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पे हर साल मैं कभी बॉम्बे से दौड़ लगा के आया, मैं नागपुर से भी दौड़ लगा के आया, तो आज मैंने पॉलिटेक्निक चौराहे स्वामी विवेकानंद से वहाँ से मैंने रन शुरू किया। अभी हमारा सौभाग्य है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पोर्ट्समैन हूँ जो कि आज की पीड़ा को और भविष्य की पीड़ा को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक ही आज़ादी मांगा था, जिसमें उन्होंने देख लिया जो आज की युवा पीढ़ी हो बेरोजगार, जो खेल प्रेमी वो भी बेरोजगार, और जो देश की जो आने वाले समय पे उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करके गया, तो उसको मैं नमन करता हूँ। ऐसा नेताजी हम लोग को भाग्य की बात है जो मिला है। आज सबसे बड़ी मतलब दुर्भाग्य की विषय है 23 जनवरी हर घर घर पे हर युवाओं को, हर पीढ़ियों को, हर भारतीय को मालूम होना चाहिए जो आज 23 जनवरी है। मैं यही बताना चाहता हूँ, आज की जो हमारा प्रशासन चला रहा है उनको ध्यान रखना चाहिए और 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषणा करना है, और उनका जो आदर्श है, उनका चिंताधारा जो है हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। अनूप कुमार बड़े ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2019 में थाईलैंड में हुई प्रतियोगिता के दौरान 400 मीटर की रेस में भारत को गोल्ड दिलवाया था। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।